हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे कम भूमि क्षेत्र है। तो देखिए, आपके ऑप्शन में अफ्रीका, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में एशिया और ऑप्शन डी में आपका यूरोप। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे कम भूमि क्षेत्र है तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा भूमि क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि सबसे जो ज़्यादा भूमि का क्षेत्र है वो एशिया है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि किस मौलिक अधिकार के तहत जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो देखिए, ये स्वतंत्रता का अधिकार के तहत जो है बोलने और अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, ये जो खजुराहो मंदिर है ये कामुक रचना के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि खजुराहो मंदिर जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि अर्माकोंडा शिखर जो है ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो अर्माकोंडा शिखर जो है ये आपका पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि कन्नौज का युद्ध जो है ये किसके बीच लड़ा गया है। तो कन्नौज का जो युद्ध है ये आपका मुगल और शेर शाह के बीच जो है ये लड़ा गया है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मुगल का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो मुगल यानी हुमायूं जो है इस युद्ध को लड़ा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था, तो जिसमें जो है शेरशाह विजयी रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कन्नौज का युद्ध में जो है किसकी विजयी हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि इस युद्ध में जो है शेरशाह विजयी रहा था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि कन्नौज का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, आपको जो है इसका जवाब ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि स्वेज नहर जो है ये किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है, यानी रेड सी से जो है मेडिटेरियन सी को जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि किस मिट्टी ने जो है भारत का अधिकांश भाग जो है वो कवर किया हुआ है। तो देखिए, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत का अधिकांश भाग को जो है कवर किया हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प जो है ये कबड्डी खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये फीफा जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, और AKFI ये जो AKFI इसका फुल फॉर्म होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपका AKFI जो है ये कबड्डी खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 1885 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इस ये स्थापना जो किए थे उसके अध्यक्ष कौन थे, तो OMU थे, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो कौन एक अनाविक अखंड है। तो आपके ऑप्शन में क्लोरीन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ, ऑर्गेन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑर्गेन जो है ये एक प्रकार का अनाविक अखंड है, तो ऑर्गेन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि इनमें से कौन जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये जो 10 डिग्री यानी 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि क्षय रोग और टीबी रोग जो है ये किसके कारण होता है। तो देखिए क्षय रोग और जो टीबी रोग है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि घर्षण के कारण जो है एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं, तो संघर्ष के कारण जो एक दूसरे के संपर्क में जो दो सतहों की सापेक्ष गति को जो है संघर्ष कहा जाता है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि कोलेरू झील जो है ये के त्रिकोण में पाई जाती है। तो कोलेरू झील जो है ये महानदी और गोदावरी के त्रिकोण में जो है पाई जाती है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कोलेरू झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो कोलेरू झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि लोकसभा में जो है कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो लोकसभा में जो आपके दो एंग्लो इंडियन सदस्य को जो है मनोनीत किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों राज्यसभा में जो है कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार जो ये किसने किया था। तो देखिए कोशिका के नाभिक का आविष्कार जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि अशोक स्तंभ सिंह जो है ये कहाँ पर है। तो अशोक स्तंभ सिंह जो है ये आपका सारनाथ में है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की जो है लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा जो है बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो है पॉलिस्टर दिया हुआ है, नाइलोन दिया हुआ है, बैग दिया हुआ है और रियान दिया हुआ है। तो रियान एक ऐसा लकड़ी है जिसकी लुगदी पर जो है रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा जो है ये बनाया गया है, तो रियान जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि रियो ओलंपिक 2016 में जो हुआ था उसमें पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की जो है पदक विजेता जो दीपा मलिक थी वो कौन सी पदक जो है वो जीती थी, तो वो जो है रजत पदक जीती थी, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को जो है क्या कहा जाता है। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को जो है गोपुर कहा जाता है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो है अधिकतम संख्या का निर्धारण जो है ये किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। तो देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या का निर्धारण है ये आपका संविधान 91 संविधान संशोधन में जो है इसका किया गया है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्न में से जो है किस नृत्य शैली को जो है मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को जो है मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है कुल कृषि श्रमिकों में जो है महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो कुल कृषि श्रमिकों में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो 55% है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्न में से जो है किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है। तो देखिए ये जो फुटबॉल की खेल की जो उत्पत्ति है ये यूरोप महाद्वीप में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका एशिया में पूछा जा रहा है कि किसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो फुटबॉल की उत्पत्ति नहीं हुई है। बाकी जो शतरंज, लूडो और कबड्डी ये तीनों खेल की जो उत्पत्ति हुई है वो एशिया महाद्वीप में हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो देखिए ये जो एंजल फॉल्स है ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, तो एंजल फॉल्स जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एंजल फॉल्स जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सत्यमेव जयते जो शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडोकोपनिषद से लिया गया है,
तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि ओलंपिक पदक विजेता जो सुशील कुमार है ये किस खेल से जुड़े हैं, तो ओलंपिक पदक विजेता जो सुशील कुमार है ये आपके कुश्ती से संबंधित है, ठीक है, तो कुश्ती जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि नर्मदा नदी जो है ये किस स्थान से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि नर्मदा नदी जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये पीटर्सबर्ग जो है ये शहर जो है लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि भारत में जो है किस नदी पर सबसे ऊँचा झरना पाया जाता है, तो देखिए भारत के जो है सरस्वती नदी पर जो है सबसे ऊँचा झरना पाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों में जो है समानता का अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार आपके 6 होते हैं, ठीक है, आपको पता है पहले 7 थे लेकिन अब जो है 6 हैं वर्तमान में, तो मौलिक अधिकारों में जो है कानून के समक्ष सभी लोग समान है, ये समानता का अधिकार है, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि महाबलीपुरम में जो है प्रसिद्ध समुद्र तट का जो निर्माण है वो किसने किया था, तो महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध समुद्र तट है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन 2 ने किया था, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि किसको जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, भारत में जो किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो सभी भारतीय नागरिक को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है दोस्तों कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है, तो देखिए लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पहली सार्वभौमिक परिषद जो है ये कब भरी गई थी, तो पहली जो सार्वभौमिक परिषद है ये 1893 को भरी गई थी, तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि अर्थशास्त्र में जो है वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है, तो अर्थशास्त्र में जो वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ होता है वो दीर्घकालिक योजना होता है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि नर्तकी की जो है कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है, तो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है ये मोहनजोदड़ो में जो है पाई जाती है, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो ये मीनार में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि शुक्र अपने अक्ष के जो है कहाँ से कहाँ तक घूमता है, तो शुक्र जो है अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम तक घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम जो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रयुक्त प्रणाली है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि राज्य का राज्यपाल कौन होता है, तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो कैबिनेट होता है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि दुनिया का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दुनिया का जो विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर है ये माउंट एवरेस्ट है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई के बारे में आपको जान लेना है दोस्तों, और ये कौन से देश में स्थित है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ऐसा सोचो कि आपका जो है एग्ज़ाम चल रहा है और आप जो है फुल प्रिपरेशन में जुटे हुए हो, ठीक है, तो आपको इसका जवाब ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि खजुराहो में जो है कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो खजुराहो में जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये शंकर भगवान को समर्पित है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो अगर लाइक करते हो दोस्तों आप अच्छे से, ठीक है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको डेली जो है ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि वित्तीय सहायता द्वारा ये जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो वित्तीय सहायता जो है ये रिजर्व बैंक के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है,
तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ मुझे क्वेश्चंस ज़रूर चाहिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।